आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। लुधियाने में कपड़ा फैक्ट्री में लगी आग, बहादुर के रोड पर हुआ हादसा, धमाकों से दहला इलाका, लोग निकाले गए सुरक्षित। पंजाब के लुधियाना में अचानक एक कपड़ा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने का पता जैसे ही फैक्ट्री मालिकों को चला तो वह तुरंत मौके पर पहुंचे। बता दें जिस समय हादसा हुआ उस समय फैक्ट्री की पहली मंजिल पर वर्कर काम कर रहे थे। अचानक दूसरी मंजिल से आग की लपटें नीचे तक दिखाई देने लगी। आग देख वर्करों ने इधर उधर भागना शुरू कर दिया। इलाके में दहशत का माहौल बन गया। आसपास के लोगों ने भी मदद करनी शुरू की। लोगों ने पानी की पाइप लगाकर बौछारें मारी, लेकिन आग ने भयावह रूप ले लिया जिस कारण फैक्ट्री में धमाके होने लगे। लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचित किया। घटना के तुरंत बाद फायर कर्मचारी पहुंचे। फायर कर्मचारियों ने फैक्ट्री के बाहर गेट पर गाड़ियां लगाई और पानी की बौछारें मारी। देखते ही देखते आग बढ़ गई। घटना का पता चलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। जिस फैक्ट्री में आग लगी थी उसका नाम BS फैब्रिक बताया जा रहा है। आग की लपटें इतनी बढ़ गई थी कि बाकी साथ लगती इमारतों को भी खतरा बन गया था। वहीं फैक्ट्री में लगे शीशे धमाके होने से चकनाचूर हो गए। आग लगने का कारण अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट लग रहा है। बताया जा रहा है ग्राउंड फ्लोर से आग शुरू हुई थी जो कि दूसरी मंजिल तक पहुंच गई। अंदर पड़ा कपड़ा और अन्य सामान जल कर राख हो गया। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई थी। आग की लपटें इतनी तेज थी कि पल भर में ही भयानक रूप ले लिया। अब तक करीब अलग अलग स्टेशनों से करीब 25 से 30 गाड़ियां आग बुझाने में लगी हैं। फायर ब्रिगेड विभाग द्वारा आग पर करीब 4 से 5 घंटे की मशक्कत के बाद काबू पा लिया गया। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना न भूलें।